बोकारो जिला के कसमार के सिंहपुर पंचायत के शंकरडी निवासी 20 वर्षीय नीतीश घासे की मौत बोकारो सदर अस्पताल में हो गई। वह विगत 22 अप्रैल से इलाजरत था। नीतीश के साथ उसकी छोटी बहन 12 वर्षीय राखी भी भर्ती थी, जो घर लौट आई है। भाई की मौत की खबर सुन राखी और उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भाई की मौत के बाद राखी ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया। बताते चले कि गत 6 मार्च को उनके पिता भूखल खांसी की मौत हो गई थी। मौत की बाद खबर सुर्खियों में थी कि भूखल खांसी की मौत भूख से हो गई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। नीतीश व उसकी छोटी बहन राखी को पेट में दर्द की शिकायत थी, जिस कारण दोनों भाई बहन को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर रेणु भारती ने बताया कि नीतीश को बुखार और पेट में दर्द की शिकायत थी। वहीं राखी की स्थिति गंभीर है, उसे ऑटोइम्यून डिजीज है, उसकी स्थिति गंभीर है। ऐसे में हाथ बिगड़ जाने पर रोग की सक्रियता अलग अलग चरणों में सामने आती है। यह बीमारी हार्ट, किडनी, लंग्स और ब्रेन को प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि भर्ती के दौरान राखी को 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया था। राखी को हायर सेंटर भी रेफर किया गया था, लेकिन उनके परिजनों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। डॉक्टर भारती ने बताया कि नीतीश की ECG एक्सरे सहित सभी तरह के ब्लड जाँच कराई गई थी, सभी नॉर्मल रिपोर्ट आए। दोनों को स्पेशल केयर किया जा रहा था तथा दोनों भाई बहन के खान पान की भी व्यवस्था थी। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने इलाज में लापरवाही की बात कही। ये करेंगी, हाँ रुपया दिखागी, यही दिखाएगी तो हम खा बोली के गेला हम तो गाली गलौज नहीं करना है, मुंह से निकालने में भी जो है भला कौन सा कह बेटी बाचो कैसे ने करबो कैसे नहीं बस का भूखल घासी तो मरी गेले बस का रहाड़ी तो देख लेने को लागो रहाड़ी तो ला देखी के चली गेला ओकर लड़के के लेगा बस का कहां रुपया रखेगा कहां की रखेगा कहां की करेगा सब पे गे गेला निकल आ हम किधर गए थे हम लोग बाहर थे दोनों थे ये और वो वीडियो साथ नहीं हम अंदर में नहीं थे सर जब थे अंदर में नहीं आंगन में थे ना हां आंगन में थे उसके बाद नहीं दीजिए तो इसको उठा के लेते चलिए थाना ऐसे उसका बड़ा बेटा कहाँ उसका बड़ा बेटा अच्छा लेते जाएंगे इसको लेते जाएंगे ये छोटका ना है बड़ा है ये तो छोटका छोटका है हाँ और बस रिम्स का कोई याद नहीं है यहाँ पर नहीं ना सब ठीक है तो जो हुआ इसको हम लोग प्ले करें नहीं सर एक तो देखिए हमारे थाना प्रभारी ऊपर अंगुली नहीं उठ रहा हमारे अंचल अधिकारी के ऊपर अंगुली नहीं हम नहीं पहुंचाए मत कीजिए नहीं सर हम जो बोल रहे हैं कि हमने एम्बुलेंस लेकर के आया और इसको लोड करके मैं ले गया सदर में ठीक है जब भी और इसको बार बार मैं आदमी को भेजा हुआ स्टाफ हीमोग्लोबिन चेक करवा रहे हैं इसको हम पूरे परिवार को दवा दे करके गए हैं आयरन का सिरप सब हम दे के गए आपको पता है सब पता है इस तरह का नेगेटिव बात मत आप बोले कि सबको आया है इस बात को हम बोल रहे हैं सर उस दिन आपका कोई स्टाफ आया था 2 आदमी ठीक है एक ही आदमी आई दो आदमी आके वो लोग खोजते खोजते तो हम ही लोग बता दे कि इस घर में रहता है वही लोग देखा और देख के आपको व्हाट्सएप कर दिया व्हाट्सएप किया तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपका आपका सही आया एम्बुलेंस बुलाया वही लेकिन आदेश मेरा ही था डॉक्टर साहब लेकिन ऐसा बात नहीं कोई आया नहीं प्रॉम्प्ट होकर के हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम किया इसको ले जाकर के सदर अच्छा ढेर जखन मान ले तबियत बिगड़े लागे तो तुहन के फोन उन नहीं कर रखे चाहे डॉक्टर से नहीं बोल रहा की भाई डॉक्टर का तो बोले थे हाँ तो देखिए अच्छा से इसको इलाज पानी कीजिए उसका जब सीना वक्त हाथी मन धरत रहे तो अगर फोटो तोटा कर सुधा कर ठीक है करे ओकर बाद अगर बोखार और बात है जो डाटा लग लेन ओकर बाद अपन चूल्हा तीन चेक कर ले आज 2 दिन इलाज कर रहे तो 4 दिन नहीं तो 3 आदमी खाना मिल रहे कौन हुआ भोजन के खतरे नहीं कह रहा कि हम लोग एक पेशेंट का एक अटेंडेंट है तो उस हिसाब से भोजन पहले पूरा गांव का यह तो बता हले पहले पूरा गांव का आदमी आएगा तो क्या भराती आया है तुम लोग बोलो तो ही फोन करी हम